दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं वो एक इस्लामिक देश है और अक्सर विवादों से घिरा रहता है। ये एक ऐसा देश है जो अपने कट्टर नियम और कानूनों के लिए जाना जाता है। इस देश में महिलाओं की स्थिति इतनी बदतर है कि यहाँ पर कोई नहीं रहना चाहता। जो लोग रहते हैं वो यहाँ से भाग जाना चाहते हैं और जो बाहर है वो यहाँ आना नहीं चाहते। दोस्तों, ये देश दो चार नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। कहा जाता है कि खोजकर्ताओं द्वारा इस देश में हजारों साल पुरानी मानव अस्थियां मिली हैं, जिसका मतलब ये है कि इस देश में संस्कृति बहुत पुरानी है। इस देश में दुनिया का सबसे पुराना शहर भी मौजूद है। दोस्तों, ये देश दुनिया के अशांत देशों में से एक है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि सीरिया को ये खिताब ग्लोबल पीस इंडेक्स ने दिया है। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि इस देश की राजधानी यूनेस्को विश्व धरोहर का स्थल है। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिद भी मौजूद है। कहाँ पर और क्या है नाम इस मस्जिद का, ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि आज हम आपको लेकर कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक इस्लामिक देश की सैर पर, नाम है सीरिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, अक्सर हम सीरिया के बारे में अखबारों में पढ़ते हैं, काफी चर्चाएं रहती हैं सीरिया को लेकर। पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव ज्यादा रहती हैं। सीरिया दुनिया के अशांत देशों में से जो एक है। सीरिया का ऑफिशियल नाम सीरियाई अरब गणराज्य है। दोस्तों, ये देश पश्चिम एशिया में स्थित है। अगर हम बॉर्डर्स की बात करें तो तुर्की, इराक साथ ही जॉर्डन के साथ ये अपने बॉर्डर शेयर करता है, तो वहीं इजराइल और लेबनान के साथ भी इसकी सीमाएं शेयर होती हैं। दोस्तों, ये एक इस्लामिक देश है। आपको पता है यहाँ पे 74% लोग सुन्नी मुस्लिम हैं और सीरिया में 12% लोग शिया है। इसके साथ ही 10% लोग ईसाई धर्म को भी मानते हैं। सीरिया दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक का घर है। दोस्तों, पुरातत्वविदों ने इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के कंकाल ढूंढे हैं, हड्डियों को खोजा है जो करीब 7 लाख साल पुराने हैं। एबला शहर खुदाई में मिली सबसे पुरानी बस्तियों में से एक है। दोस्तों, माना जाता है कि ये लगभग 3000 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई। एबला की साइट पर लगभग 3000 ईसा पूर्व की 1800 मिट्टी की गोलियां भी मिली हैं। इसे दुनिया की सबसे पुरानी लाइब्रेरी बताया गया है। सीरिया में मानव बस्तियों के प्रमाण 10000 साल से भी पुराने हैं। सीरिया पर मिश्र, असीरियाई, फारसी, मकदूनियन और रोमन सम्राटों का राज रहा। सीरिया का अलेप्पो शहर बहुत पुराना है, जो दमास्कन का इतिहास भी काफी गौरवपूर्ण है। दमास्कस के बारे में मिश्र के अभिलेखों में 1500 ईसा पूर्व में जिक्र मिलता है। दमास्कस के बाहरी इलाके की कार्बन डेटिंग में पता चला है कि वो बस्ती करीब 6300 पूर्व की है। सीरिया को 2017 में ग्लोबल पीस इंडेक्स में लगातार 5 वर्षों तक अशांत देश घोषित किया गया। इसका कारण यह है कि यहाँ पर लगातार गृह युद्ध हुए और यह देश बहुत अशांत रहा। हजारों लोगों की जान गई, बहुत प्रॉपर्टी बर्बाद हुई और लगातार ये देश अविकसित श्रेणी में आता रहा और ये देश दुनिया का सबसे खतरनाक देश बन गया। सीरिया के संविधान में धर्म की स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीरिया के राष्ट्रपति मुस्लिम होने चाहिए। जी हाँ, सीरिया अपनी आजादी से पहले 4 शताब्दियों तक ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा रहा, जिस पर ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद फ्रांस ने कब्जा कर लिया। 1946 में सीरियाई लोगों ने आजादी पा ली। सीरिया पर आक्रमण का एक लंबा इतिहास रहा। दोस्तों, इस पर सबसे पहले 1500 ईसा पूर्व में मिश्रियों ने आक्रमण किया, उसके बाद असीरियन और फ्रांसीसियों ने आक्रमण किया और इसके बाद रोमन साम्राज्य का हिस्सा भी वे बना। इसके बाद कहीं जाकर ऑटोमन साम्राज्य का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस को सीरिया पर नियंत्रण दिया गया। गृह युद्ध के कारण बहुत लोगों ने सीरिया को छोड़ दिया। वहां पर जो बचे हैं वो बेरोजगारी और भुखमरी के शिकार हैं। सीरिया ने लेबनान के बड़े हिस्से पर 1976 से 2005 तक कब्जा जमाए रखा, वो भी सैन्य बल पर। बाद में उसे भारी दबाव के बीच 2005 में लेबनान से हटाया गया। आपको पता है इस देश की राजधानी है दमिश्क, जो कि प्राचीन शहर भी है और ये शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। हालांकि सीरिया में 5 यूनेस्को स्थल और भी हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क अपने स्टील के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दमिश्क स्टील में मौजूद अनोखे पैटर्न के लिए जानी जाती है। स्टील का इस्तेमाल ज्यादातर चाकू, तलवार और दूसरे हथियार बनने में होता है। इसका यूज इस देश में सबसे ज्यादा होता है, तभी तो यहाँ का वातावरण बहुत ही अशांत रहता है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, धरती पर पहली हत्या कहाँ हुई थी? हम आपको बताते हैं, धरती पर पहली हत्या सीरिया में हुई थी।
सूत्रों के अनुसार या फिर जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि आदम और हव्वा के बेटे कैन ने अपने भाई हाबित को दमियश के पास कसीयूर पर्वत पर मार डाला था और ये थी दुनिया की पहली हत्या। दोस्तों, इस देश में ना ही टूरिस्ट सिक्योर है और ना ही इस देश में रहने वाले लोग। महिलाओं की स्थिति के तो क्या ही कहने। हमने अक्सर यहाँ पर महिलाओं की बदहाल स्थिति के बारे में पढ़ा है, सुना है और कई फिल्मों में देखा भी है। हमने कई डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं जिसमें सीरिया की महिलाएं दिन ब दिन कट कट कर मर रही हैं। वो यहाँ रहना नहीं चाहती। यहाँ पर उन पर अत्याचार के सिवा कुछ नहीं होता। उनको उनके ही अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। यहाँ जाने के बारे में सोच कर ही महिलाओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जो महिलाएं यहाँ रह रही हैं वो या तो यहाँ से भाग जाना चाहती हैं या फिर मर जाना चाहती हैं। स्थिति भयानक है। हालांकि यहाँ की सरकार इनकी इस स्थिति को लेकर कुछ नहीं कर रही। दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिद भी आपको यहीं मिलेगी, जी हाँ, सीरिया में, जो डमस्कस में मौजूद है। गृह युद्ध के कारण बहुत लोगों ने सीरिया को छोड़ा और वहां पर जो बचे थे वो बेरोजगार हो गए, भूखमरी की कगार पर पहुंच गए और धीरे धीरे ये देश पतन की ओर आगे बढ़ता गया। आज की स्थिति यह है कि इस देश में कोई जाना नहीं चाहता क्योंकि लोगों को लगता है कि हमेशा उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर देखने योग्य चीज़ें नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर टूरिस्ट जा सकते हैं, घूम सकते हैं। कहाँ कहाँ जा सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, ये है उम्मयद मस्जिद, दमिश्क और सीरिया का प्रतीक। उम्मयद मस्जिद देखने लायक है। पिछले कुछ सालों में इनके कई बार मालिकाना हक बदले। शुरुआत में ये मंदिर रहा, उसके बाद ये बृहस्पति के पंथ का केंद्र बना, उसके बाद ये मुस्लिम विजय से पहले एक गिरजाघर के रूप में पहचाना गया और उसके बाद कहीं जाकर ये उम्मयद मस्जिद की यात्रा पूरी हुई। कहा जाता है कि सीरिया में आने वाला कोई भी टूरिस्ट इसको देखे बिना नहीं जा सकता। आपको पता है यहाँ के बरामदे की अलंकृत सजावट और राजकोष आपको काफी अट्रैक्ट करेगा। गुंबद बेहतरीन है और कलाकृति बहुत ही अनोखी। दोस्तों, ये है पालमेरा का प्राचीन शहर। पालमेरा सीरियाई रेगिस्तान में एक नखलिस्तान है जो प्राचीन दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र भी है। होम्स प्रांत के किनारे पर यह स्थित है। एक महान शहर के स्मारक खंडहर के रूप में इसे जाना जाता है। दोस्तों, प्राचीन शहर ने लगभग 2000 साल पहले सीरिया के रोमन प्रांत के माध्यम से आधुनिक सीरिया से जुड़ने की कोशिश की। हालांकि सीरियाई गृह युद्ध के दौरान ISIS द्वारा पालमेरा में कई स्थलों को नष्ट किया गया। पालमेरा में अभी भी सिल्क रोड के दिनों के खजाने मौजूद हैं। यहाँ प्राचीन काल के कुछ सबसे अच्छे संरक्षित खंडहर भी हैं, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, ये है वादी अल नसारा में क्रैक डैस शेविलियर्स। होम्स प्रांत में ईसाइयों की घाटी में स्थित है। क्रैक डैस शेविलियर्स दुनिया के सबसे बेहतरीन संरक्षित मध्ययुगीन महलों में से एक है। यूरोप के महलों को भूल जाइएगा जब आप इसे देखिएगा। जी हाँ, वास्तुकला, कलाकृति और अनूठा ही दृश्य नजर आता है। पहाड़ी की चोटी पर दोस्तों ये स्थित है। सीरिया के ईसाइयों के कब्जे वाले गाँव से ये घिरा हुआ है। आप पूरे महल में इतिहास की परतों को फील कर सकते हैं। गॉथिक शैली की वास्तुकला भी आप यहां देख सकते हैं। दोस्तों, ये है टार्टस के अमृत में प्राचीन फोनिशियर मंदिर के खंडहर। सीरिया के भूमध्य सागरीय तट पर टार्टस से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर एक फोनिशियन जल मंदिर और उपचार केंद्र है। जी हाँ, एक ट्रीटमेंट सेंटर भी है। मंदिर के आसपास का अधिकांश क्षेत्र हजारों साल पहले नष्ट हो गया था। उसके अवशेष आज भी आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे खास हिस्सा है सेला, एक ऊंचा अंतरिक्ष कक्ष जिसे चट्टान में खोदे गए गहरे तालाब में बनाया गया था। सेला की वास्तुकला में आपको मिस्र और मेसोपोटामिया की झलक मिलेगी। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ आप जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को जान सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इस देश का सफर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।